दोस्तों, आज 1 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री ने यूनियन बजट पेश किया। बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वित्त मंत्री इस बार के बजट में इनकम टैक्स पेयर को टैक्स में छूट देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जो इनकम टैक्स स्लैब 60 साल से कम उम्र के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फिनेंशियल ईयर 2017-18 में है, वही टैक्स स्लैब फिनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए भी होगा। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रपोज किया है। इसका इम्पैक्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई नया नहीं है, इसे असेसमेंट ईयर 2006-07 में बंद कर दिया गया था। मतलब पहले ये चल रहा था, इसे बीच में बंद कर दिया गया और अब इसे फिर से लाया जा रहा है। तो अगर टैक्स पेयर स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके टोटल इनकम से स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट घटा दिया जाएगा, जिससे कि टैक्स में कमी आएगी। पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ रहा है। फिनेंशियल ईयर 2018-19 में 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन पाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंसेस को खोना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि 1600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से साल का 19,200 रुपये होता है और मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंसेस 1250 रुपये महीने के हिसाब से साल का 15,000 रुपये होता है। तो अगर टोटल देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 के बदले 34,200 रुपये कम हुआ। आगे देखते हैं कि किसे कितना फ़ायदा हुआ। पहला, नौकरी पेशा जो कि 15,000 रुपये का मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर पाते हैं। 15,000 रुपये का मेडिकल बिल जमा करना होता है, पर जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो मेडिकल बिल कहाँ से जमा करें। तो कहें एक तरह से जो स्वस्थ हैं उनके लिए मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंसेस के बदले स्टैंडर्ड डिडक्शन का आना बहुत अच्छा है। दूसरा, जो नौकरी में नहीं है, जैसे कि रिटायर्ड पर्सन, चूँकि वो नौकरी में नहीं है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस या मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंसेस से फ़ायदा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 40,000 रुपये इनकम से डिडक्ट होना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर कोई 20% के टैक्स स्लैब में आता है तो उसे 40,000 का 20% मतलब 8,000 रुपये की टैक्स बचत हो सकती है। जो इम्प्लॉई ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए टोटल 34,200 रुपये क्लेम करते हैं उनके लिए बहुत कम फायदा है, क्योंकि उनको इफेक्टिवली 40,000 माइनस 34,200 मतलब 5,800 रुपये पर ही टैक्स में छूट मिलेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन से अधिकतम 12,000 रुपये तक की टैक्स सेविंग हो सकती है। इसे एक टेबल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने जो अभी तीन कैटेगरी बात की है वो मैंने पहले कॉलम पे लिखा है। एम्प्लॉई जो मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंस क्लेम नहीं करते हैं पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेते हैं, जो एम्प्लॉयड नहीं है, और वो जो एम्प्लॉई ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल एक्सपेंस दोनों क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैक्स सेविंग अलग अलग स्लैब के लिए भी दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ 20% के जो टैक्स स्लैब में आते हैं उनके लिए। बाकी 10% और 30% का आप यहाँ पे देख सकते हैं या खुद भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी जिसमें एम्प्लॉई मिसलिनियस मेडिकल एक्सपेंसेस जो कि 15,000 रुपये का है वो क्लेम नहीं करते हैं, तो उनका टोटल होता है 19,200 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है 40,000 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 20,800 रुपये। तो इस 20,800 रुपये पे अगर वो टैक्स स्लैब 20% में आता है तो उसे 20,800 रुपये का 20% जो कि 4,160 रुपये है उतना मैक्सिमम टैक्स में छूट मिलेगा। उसी तरह जो एम्प्लॉयड नहीं है, जैसे कि मैंने बताया रिटायर्ड पर्सन जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों ही नहीं क्लेम कर पाते हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 40,000 रुपये है उस पर टैक्स सेविंग होगी। और उनके लिए टैक्स सेविंग अगर वो 20% के
टैक्स स्लैब में आते हैं तो 40,000 का 20% 8,000 रुपये, और अगर वो 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 40,000 का 30% 12,000 रुपये। तो इसमें अधिकतम 12,000 रुपये का टैक्स में फ़ायदा हो सकता है। तीसरा, वो जिसमें अधिकतर लोग आएंगे, वो इम्प्लॉई जो अभी TA भी क्लेम करते हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस भी क्लेम करते हैं, तो इन दोनों का टोटल होता है 34,200 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये, तो डिफरेंस हुआ 5,800 रुपये। 40,000 माइनस 34,200, 5,800 रुपये। तो 5,800 रुपये का 20% 1,160 रुपये, 30% 1,740 रुपये। तो अधिकतर सैलरीड क्लास लोगों को अधिकतम 1,740 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने की है कि पहले से 3% था, जो कि अभी बढ़ के 4% हो गया है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, और एक एग्जांपल के साथ में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपके टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बजट 2018 पे कुछ और वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उन वीडियो का वेट कीजिए और ज़रूर देखिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।